ड्यूटीज। तो ये प्रोग्राम हमने इस तरीके से प्लान किया है कि जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनको हम एक साथ क्लब कर लें, जिनको हिंदी नहीं है, जिनकी नेटिव लैंग्वेज कुछ और है, उनको एक साथ हमने क्लबिंग करके करी है सुविधा के हिसाब से। तो ये वाला जो फेज है उसकी क्लबिंग इस तरीके से की है कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट सब एक साथ आ जाएं और उनके लिए, ताकि उनकी सुविधा के अनुसार हिंदी में ही ये सारे प्रेजेंटेशन हम करें। ये हमारा एक रेगुलर फीचर है ये स्टेट रिसोर्स ग्रुप ट्रेनिंग का, जिसमें हमारा उद्देश्य ये रहता है कि एक तो जितने भी नेशनल लेवल पे इनिशिएटिव्स हो रहे हैं उनके बारे में सभी स्टेट्स और यूटीज को जानकारी दी जाए, ताकि अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार इन लाइन विद जो भी नेशनल लेवल पे हो रहा है वो भी अपने कार्य शुरू कर सकें। अभी NEP 2020 के हिसाब से इतने भी नए इनिशिएटिव हैं, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की है वो ऑलरेडी उस पर काम शुरू हो चुका है और उसी के अनुसार नेशनल लेवल पर कार्य हो रहा है। तो ये जानना आप लोगों के लिए जरूरी है कि नेशनल लेवल पे NEP 2020 के को ध्यान में रखते हुए किस तरह के कार्य हो रहे हैं, ताकि स्टेट और यूटी लेवल पे भी उस तरीके के कार्यों का संपादन किया जा सके, उन सब कार्यों की शुरुआत की जा सके। तो इसीलिए जॉइंट डायरेक्टर CIT सबसे पहला सेशन इसी विषय में आपको देंगे, जिससे कि एक इंसाइट सबकी डेवलप हो सके। पहला दिन जो हमारा है टेक्निकल सेशंस का है, थोड़े थ्योरेटिकल सेशंस होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है वो कोई इंगेजिंग कंटेंट उनमें नहीं होगा। वी विल बी डेमोंस्ट्रेटिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग ई कंटेंट टुडे आल्सो, लेकिन उसके बाद जो आने वाले सेशंस होंगे उसमें हैंड्स ऑन ज्यादा होगा, ताकि ई कंटेंट डेवलपमेंट में आप लोग हैंड्स ऑन भी कर सकें, यानी कि आप प्रैक्टिस भी कर सकें, जिससे सही मायनों में आपको ई कंटेंट बनाने में एक आप अपने हैंड्स ट्राई करें और धीरे धीरे उसमें महारत हासिल हो। मैं ये नहीं कह रही हूं कि इन 5 दिनों के पश्चात आप लोग पारंगत हो जाएंगे ई कंटेंट डेवलप करने में, लेकिन आपको एक प्रैक्टिस का एक्सपोजर जरूर हो जाएगा। और ये तो हम सबको विदित है कि जितना हम प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उतनी ही हम पारंगतता हासिल कर लेते हैं किसी भी चीज में। तो सेशंस को आप लोग हमारी उम्मीद यही है कि ध्यान से सुने, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें, ताकि कुछ आपके अंदर ऐसे स्किल्स डेवलप हों और आपके पसंद का जो ई कंटेंट की वैरायटी है आप उसमें एक या दो में भी अगर आप पारंगत हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। ताकि हर स्टेट से जैसे 20 पार्टिसिपेंट हैं, तो 5-5 भी अगर एक एक टूल में पारंगत आप हो जाते हैं, तो सभी प्रकार के ई कंटेंट बनाने का आप लोगों को स्टेट लेवल पे एक ग्रुप रेडी हो सकता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोग्राम किया है। ई कंटेंट का इवैल्यूएशन कैसे करते हैं ये भी आपको इस सेशंस के दौरान बताया जाएगा। इंटरएक्टिव कंटेंट कैसे बनाते हैं, एनिमेशंस क्या हैं, उनकी वैरायटी क्या है, एनिमेशंस कैसे बनाते हैं, एक टूल हम आपको एनिमेशंस के बारे में बताएंगे, इंफोग्राफिक्स कैसे बनाते हैं, इसके अलावा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए किस प्रकार के कॉन्टेंट की आवश्यकता है, इसको मिशन मोड में इम्प्लीमेंट करने के लिए सब देश भर में, तो उसमें क्या कंटेंट की वैरायटी है, वो कंटेंट हम कैसे डेवलप करेंगे और क्या अब तक किस प्रकार के कार्य हो चुके हैं, उनका भी एक आपको डेमो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में दिया जाएगा। इसके अलावा ई बुक्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें फ्लिप बुक भी है, PDF भी है, ई पब सॉफ्टवेयर यूज करके भी हम ई बुक्स बनाते हैं। तो आप लोगों को ई बुक्स की क्या वैरायटी है और उनका निर्माण किस तरह से किया जाता है, इसका भी एक हैंड्स ऑन होगा। लेकिन किसी भी क्षेत्र में अगर आपको कोई विशिष्ट ट्रेनिंग की आवश्यकता हो, इसमें हम ओवरऑल एक्सपोजर टू डिफरेंट टाइप ऑफ
टाइप्स ऑफ ई कंटेंट और उनके निर्माण की प्रक्रिया और टूल्स ये बताएंगे। लेकिन किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में अगर आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, मान लीजिए ई पब बनाने के लिए ही आपको विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो आप के पास ये सुविधा है कि आप ज्वाइंट डायरेक्टर सीआईटी को एक इस तरह का अनुरोध कर सकते हैं, जिससे स्पेसिफिक नीड वाली स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स भी हम आपके लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है, लेकिन आने वाले समय में जो 5 दिनों में आपको और धीरे धीरे ये रिवील होता जाएगा, आपको पता चलता जाएगा कि वॉट ऑल वी हैव इन स्टोर फॉर यू। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ये एक रोचक कार्यक्रम के रूप में हम आपके सामने ये प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा एक और चीज है जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस भी थोड़ा सा कर लीजिएगा। कुछ सेशंस हमारे ब्रेकआउट रूम्स में होंगे, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टूल्स हैं। जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं वो अलग अलग विषयों के ज्ञाता हैं, तो अपने रुचि के विषय के अनुसार आप अलग अलग ब्रेकआउट रूम्स में जाके वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टूल्स के बारे में सीख सकते हैं। तो ये भी हमने इस ट्रेनिंग में प्रावधान रखा है, ताकि अगर हम साइंस का कोई टूल डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो वो सोशल साइंस के लिए उतना रेलेवेंट नहीं है। तो हमने एक ही समय में पैरेलल ऑनलाइन सेशंस का भी प्रबंध किया है, ताकि आपकी विशेषज्ञता और रुचि को ध्यान में रखा जा सके। तो ये कुछ ग्लिम्सेस हैं जो मैंने आपको इस ट्रेनिंग के बारे में बताए हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इस ट्रेनिंग के अंदर यू विल डीप डाइव इनटू इट, यू विल लर्न मेनी मोर थिंग्स, एंड आई होप दिस प्रोग्राम टर्न आउट टू बी इंटरेस्टिंग। डॉक्टर मोनिका और मेरे और टीम के मेंबर्स हैं, ये थ्रू आउट आप लोगों के साथ रहेंगे आपको हेल्प और सपोर्ट करने के लिए, और जहां भी आवश्यकता है जॉइंट डायरेक्टर सीआईटी, जिनका ये विजन है कि देश के बच्चों के लिए जितना अधिक से अधिक हम कंट्रीब्यूट कर पाए, कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए, वो और हमारे ऐसे जॉइंट डायरेक्टर और मैं स्वयं भी इन 5 दिनों के दौरान जब भी आवश्यकता है आपके सपोर्ट के लिए हम भी उपस्थित हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना जो स्वागत और इसका ओवरव्यू यहाँ समाप्त करती हूँ, पर समाप्ति नहीं है, ये एक शुरुआत है जिसमें हम सब एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ओवर टू डॉक्टर मोनिका। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you for giving us the detailed इस कार्यक्रम की सारी जानकारी हमें पूरे विस्तार से बताने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोफेसर अमरेंद्र प्रसाद बेहरा जी से कि वो आए और अपने ओपनिंग रिमार्क्स के साथ हमारा मार्ग को हमें सुझाएं कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है और हमें गाइडेंस अपनी प्रदान करें। ओवर टू यू बेहरा सर। सभी लोग इस दौरान अपना वीडियो ऑन रखें जिससे हम स्क्रीनशॉट्स भी ले सकें। हेलो जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय कॉलीग्स फ्रॉम सीआईटी डॉक्टर इंदु कुमार जी, who is the coordinator of this program, and other faculty members including the co-coordinator Dr. Monica from CIET and the head of the division department of ICT Dr. Bharti, and my other colleagues, resource persons from CIET, distinguished participants from 9 different states, जो कि ज्यादातर हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं,
लेकिन उड़ीसा मेरे ख्याल में दामन एंड दीव, दादरा नगर हवेली से भी हमारी प्रतिभागी है यहाँ इस कार्यक्रम में। उनका म्यूट हो गया सर, आपका नेटवर्क शायद नेटवर्क बैंडविड्थ लो है तो हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं अभी। उसको बनाने की प्रक्रिया पे प्रशिक्षण होगा और इस प्रक्रिया जो है हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है आगे लिया है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यही सुझाया गया है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, डिजिटल एजुकेशन का इस्तेमाल, टीचिंग लर्निंग असेसमेंट और जो है प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स जो कि प्री सर्विस इन सर्विस लेवल पे, और दिव्यांग बच्चे जो है उनके लिए जो जितने सरोकार है तो जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है तो उसको दिव्यांग बच्चों के साथ इस्तेमाल की बात की गई है। और हम सभी को पता है कि हमारे देश एक भाषाई विविधता की देश है और जिसमें कि 5 भाषा परिवार के सर आपका डिस्टरबेंस है, थोड़ा इंटरप्शन हो रहा है बीच में, वी आर नॉट एबल टू लिसन टू यू कंप्लीटली, इन बिटवीन आई थिंक बैंडविड्थ इज गोइंग अपना, या तो कोई दूसरे इंटरनेट से ज्वाइन कर दीजिए सर जो हाई स्पीड है, बीच में इंटरप्शन आ रहा है। हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर, यस सर, वी कैन। हेलो, यस सर, थैंक यू वेरी मच, सॉरी इन बिटवीन मिनिस्ट्री से कॉल आ गया था तो हाँ जी, सो नाउ इट इज ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑल्सो आई वाज मेंशनिंग दैट वी हैव also a linguistic diversity in our country, तो भाषाई विविधता जो है तो उसमें ई कंटेंट अलग अलग भारतीय भाषाओं में बनाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बच्चों की जो है जन्मसिद्ध अधिकार है कि अपने भाषा में पढ़ने का, चाहे मेरी मातृभाषा उड़िया हो या दामन दीव दादरा नगर हवेली के जो लोग हैं उनके मराठी या गुजराती या और कोई भाषा वो बोलते हैं, या उड़ीसा से जो लोग हैं उनमें और भी भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं उड़ीसा में बोली जाती है, सिमिलरली झारखंड बिहार मध्य प्रदेश में भी कई और भाषाएं जो है बोली जाती है, तो इसलिए जो ई संसाधन है वो अलग अलग भाषाओं में बनना जरूरी है ताकि बच्चे अपने भाषा में जो है संसाधन उनको मिले और अपने भाषा के जो संसाधन है उसमें सीखे पले बढ़े तो जो कि समय समय पर हो, और ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो है एक मुद्दा है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने उभारा है। और जो एक दो बातें मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये भी कही गई है कि जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है, गवर्नेंस है, तो वो भी जो है कोशिश किया जाए कि ज्यादातर जो है ऑनलाइन डिजिटल हो, ताकि जो जो अलग अलग संसाधन हमारे जो अलग अलग स्टेक होल्डर है उनके तक पहुंचाने वाली बात है तो वो समय पे उन तक पहुंचे, तो उस मुद्दों को सभी ध्यान में रखते हुए सीआईटी ने इस 5 दिवसीय कार्यशाला जो है आप सभी लोगों के साथ रखा है, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि हमारे जो रिसोर्स पर्सन है, स्रोत व्यक्ति है जितने, तो वो आप लोगों को जो है ई कंटेंट कैसे बनाना है, क्या क्या चीज ध्यान रखना है, तो ये बहुत खूब ध्यान रखेंगे। और आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग अटेंटिवली, क्योंकि हम लोग सभी डिस्टेंस मोड में है तो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं है, डाइवर्स एनवायरनमेंट में है,
तो कहीं किसी का इंटरनेट चल रहा होगा, कहीं किसी का नहीं चल रहा होगा, कहीं किसी को और कोई प्रॉब्लम हो, किसी का कहीं इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकडाउन हो, तो कहीं कुछ भी हो सकता है। लेकिन कोशिश ये करिए कि कोई परेशानियां ना हो, और कोई अगर ऐसा हो तो आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। और हमने भी ये भी ध्यान रखा है कि आप लोगों की समय समय पर जो है कितने सीखा है, आप लोगों से इंटरेक्शन होगी, तो ताकि कोई अगर कमी रह गई हो तो बाकी जो है फैकल्टी है उसको समय समय पर ध्यान रखेंगे, और ऐसा संसाधन जो है आप लोगों के सामने रखा जाएगा जिससे कि आप लोगों को मदद मिलेगी उसके। सॉरी, ज्यादातर हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो है चीजों का समझ में आए, डिस्कशन जो भी हम लोग कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को ऐसा कोई परेशानी कठिनाइयां होती है तो आप बताएं, तो ताकि उसको हम लोग जो है जहन में रखेंगे और आगे की जो है चर्चाएं या जितने भी प्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से होगी। तो पुनः मैं आप सभी लोगों को और हमारे जो कॉलीग है, रिसोर्स पर्सन है और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है और कंसर्न डिवीजन है, तो उनको साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने पूरे 9 राज्यों के लिए जो है ये कार्यशाला रखा है। और जाहिर है कि आगे जो 200 टीवी चैनल आने वाले हैं बहुत जल्दी, वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट सम टीवी चैनल्स टू अमंग ऑल द स्टेट्स, सो दैट रीजनल लैंग्वेज कंटेंट जो है उसकी टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट हो पाए। तो ये 200 टीवी चैनल हो या दीक्षा के तहत जो कंटेंट डिसमिनेशन हो, ये जो भी कंटेंट बनेगा या आगे आप लोग बनवाएंगे तो उस काम में आएगा। और मेन मकसद है कि जो हमारे बहुत सारे भाषाभाषी बच्चे हैं तो उनको हम मदद करें पठन पाठन प्रक्रिया में, और गुणवत्ता जो है शिक्षा में लाने की जो है कोशिश करें। तो जो कि हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है, और जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है UN का, उसका भी यही लक्ष्य है कि 2030 तक वी अचीव इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर द चिल्ड्रन। सो थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गाइडिंग अस एंड आल्सो गिविंग अस एन आइडिया दैट हाउ वी शुड प्रोसीड फॉर effective training and effective learning during this 5 days, and we will also be administering quizzes during the session so that we all are involved and are also able to check our own understanding of different applications, different sessions which we have attended. So we will be trying to definitely follow all the steps you have told us for a effective training program. Thank you very much, sir. Now we are towards the end of this inaugural session of this 5-day orientation program, and I would like to take this opportunity to thank our joint director Professor Amrendra Behra, our head of the department Dr. Bharti Kaushik, and our program coordinator Professor Indu Kumar for planning and over visualizing this training program, so that the state needs for developing e-content in regional after this training is being given to teachers, and they can go back and create content in their respective regional languages. And also the vision of making Diksha a one nation, one platform can also be achieved through different regional contents on the Diksha platform mapped with different textbooks of NCERT or the state boards, so that the content is available to the learners of the country. Since aaj hum sabhi jante hain ki aaj Bal Divas hai, to aaj ki ye shuruaat mujhe lagta hai hum logo ke sabhi ke liye bahut shubh hai ki aaj teachers train honge, aur phir desh ke bachchon ke liye hum log karya karke aur e-content bana ke ye e-content un sab tak pahunchayenge. To isi ek tarah se main bolungi pran ke sath ki hame apne desh ke bachchon ke liye kaam karna hai, ye training program hum शुरू करेंगे। इसके बाद मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी सारी स्टेट अथॉरिटीज का, जिन्होंने बहुत ही कम समय में हमें
आप लोगों के लिए एक लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे वो लिस्ट प्रदान करवाई, और साथ ही आप सभी को डिप्यूट किया कि आप अपने कीमती समय में से 5 दिन हमारे साथ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बिताएं और हम सब एक दूसरे से मिलकर कुछ ना कुछ सीखें और आगे बढ़ें। तो मैं सभी स्टेट अथॉरिटीज़ का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी पार्टिसिपेंट्स का जो 9 राज्यों से हमारे साथ जुड़े हैं। लगभग सभी हिंदी भाषा के राज्य हैं जिसमें बंगाल और उड़ीसा, अगर कहीं हिंदी में आप लोग थोड़ा सा दिक्कत महसूस करें तो हम लोग बायलिंगुअल रहने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों से सीख सकें। कहीं भी अगर आपको लगता है कि आप नहीं सुन पाए हैं, आप एक बार हैंड रेज करिए, सिंपली अनम्यूट करके बीच में ना बोलें, इससे पूरा सेशन डिस्टर्ब होगा। तो आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप अपना हैंड रेज करें या चैट बॉक्स में लिखें। हम यहाँ पे पूरी CIT की टीम है आप सभी को सपोर्ट करने के लिए, और इनफैक्ट आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपनी परेशानी लिख सकते हैं जिससे हम आपको वहीं पे मदद कर पाएंगे। सो थैंक यू ऑल द स्टेट अथॉरिटीज, एंड नाउ आई थैंक ऑल दीज पार्टिसिपेंट्स हु आर देयर विद अस फॉर 5 डेज। वी विल बी लर्निंग टुगेदर, हम एक दूसरे को साथ देंगे तभी अच्छे से सीख पाएंगे। तो आप सभी लोग आराम से अपने प्रश्नों के साथ, अटेंशन के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपके प्रश्न हमें मोटिवेट करेंगे कि हम और अच्छी तैयारी के साथ आप लोगों के साथ जुड़ सके और नई नई चीजों पर आपसे बातचीत कर सके। थैंक यू, एंड नाउ आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय हार्टिएस्ट थैंक्स टू ऑल द CIET टीम मेंबर्स हु हैव जॉइंड फॉर दिस प्रोग्राम, द कंप्लीट टीम हु इज एट वर्किंग एट द बैक एंड टू मेक दिस प्रोग्राम हैपन सक्सेसफुली, fulfill the details of this program. So I thank all the members of CIET NCERT. Thank you so much, everyone. Now we will be moving towards our first session, which is on ICT initiatives. We will be getting detailed overview of the different national ICT initiatives. And I'll request Behra sir for the same to join in and guide us for these ICT initiatives and tell us in detail about these initiatives. Over to you, Behra sir. जब तक सर जुड़ रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोगों के साथ शेयर किया गया है, उसे फिल कर लें और इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लें। और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक बार फिर से चैट बॉक्स में डाल दें जिससे सभी पार्टिसिपेंट रजिस्टर कर सके। जी ज्योतिश्री मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं, बोलिए। मैम नमस्ते। नमस्ते मैम, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मेरा सब्जेक्ट के मैथ के बदले साइंस हो गया है गलती से, और सबमिट भी हो गया है। कोई बात नहीं मैम, वो हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। नाम आपका डेफिनेटली और स्टेट बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ईमेल एड्रेस करेक्ट होना चाहिए, वो सभी ठीक है। ठीक है आपका। एक्सक्यूज मी मैम, एक मिनट अभिषेक जी। चिंटी, अगर आप इस मीटिंग में जुड़ी हुई हैं तो आप मैम के नाम के साथ साइंस कर दीजिएगा। ज्योतिश्री उड़ीसा से हैं, उनके नाम के साथ आप मैथ्स की जगह साइंस। नहीं नहीं मैम, मेरा मैथ्स सब्जेक्ट होना चाहिए, साइंस हो गया है। अच्छा, तो साइंस की जगह मैथ्स कर दीजिएगा। चिंटी आप थोड़ा सा इसको चेक करके देख लीजिए। हाँ जी अभिषेक जी, मैं हमारे झारखंड में जो हम लोग 1 to 5 टीचर्स होते हैं वो सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता है हमारा। कोई बात नहीं सर, हम लोग ये एक जनरल उसके लिए ले रहे हैं, आप सारे जितने टिक करने हैं, अगर वो ऑप्शन नहीं है तो आपका जो मेन एज अ टीचिंग सब्जेक्ट कुछ है तो वो रख दीजिए, नहीं तो कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हम सेशंस के दौरान आपको डायरेक्ट ऑप्शन देंगे कि आप अपनी चॉइस से जुड़ सके किसी भी सेशन में। ओके मैडम, मैं डॉक्टर अर्पित त्रिपाठी अनुरोध कर रहा हूँ राष्ट्रीय भोपाल से।
हम लोग स्टेट में काम करते हैं तो मैडम हम लोग कोई लेवल में नहीं आते स्कूल टीचर एजुकेटर में, क्योंकि स्टेट में हम लोग करिकुलम डेवलपमेंट और इनके लिए मटेरियल डेवलप करते हैं। कोई बात नहीं सर, आप टीचर एजुकेटर में तो आते ही हैं, हम कहीं ना कहीं टीचर्स हाँ। के लिए ही काम कर रहे हैं, तो आप उसको कोई बात नहीं सर। सर हम ये सेशन शुरू करने वाले हैं 5 मिनट में, तो आप तब तक प्लीज रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक अनिवार्य इसका भाग है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का। आपका अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो बाद में हमें अटेंडेंस में और आगे के रिलीविंग ऑर्डर सर्टिफिकेट सब में दिक्कत आ सकती है, तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। डॉक्टर चेतन वर्दे सर और डॉक्टर डीके जैन सर, प्लीज अपना स्टेट कोड लगाएं, नाम के आगे।
मेरे लैपटॉप पे आवाज नहीं आ रही है मैम, क्या बाकी समस्त पार्टिसिपेंट्स को आ रही है? किसी के पास आवाज नहीं आ रही है अभी कोई आवाज तो हमें भी नहीं आ रही है। ओके सर, आवाज अभी बंद है, अभी प्रोग्राम चल नहीं रहा। कितना बजे सर स्टार्ट होगा सर प्रोग्राम? 5-10 मिनट में प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। कंटिन्यू करेगा सर? नहीं, बीच बीच में ब्रेक रहेगा। बीच बीच में ब्रेक है, लंच वगैरह है, खाने वगैरह का ब्रेक है। ओके ओके, शेड्यूल भेजा गया था ना, उसमें देख लो। अभी का पे देखे जी, वो देख के तब देखे हैं ना सर, वो तो इसी कारण तो पूछ रहे हैं। तो ओके सर, सेशन चल रहा है बट अभी बहरा सर को अभी एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया है, मिनिस्टर सर के लिए हम वेट कर रहे हैं, उनका सेशन है। जैसे ही सर फ्री होते हैं सेशन रिज्यूम कर दिया जाएगा। तब तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लें जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, और अपने आप को रीनेम कर लें जिसने भी रीनेम नहीं किया है। अगर अपने नाम के आगे स्टेट कोड जरूर लगाएं, नहीं तो हमें परेशानी हो जाएगी, उनके आइडेंटिफिकेशन में अटेंडेंस मार्क नहीं हो पाएगी, जिससे कि हम सर्टिफिकेट और रिलीविंग ऑर्डर्स में देने में हमें काफी प्रॉब्लम होती। तो प्लीज अपने आप अपने नाम को देखें और अपने नाम के आगे स्टेट कोड लगाएं। स्टेट कोड हमने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया होगा। थैंक यू आलोक। सो जैसा अभी आलोक ने बताया, एक्चुअली सर थोड़ा सा बिजी हो गए हैं, तो मैं प्रोफेसर इंदु कुमार से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें आईसीटी इनिशिएटिव्स पर अवगत कराएं और इन सभी इनिशिएटिव्स की जानकारी हमें दें, जिसके थ्रू हमें ये पता रहेगा कि हम किन इनिशिएटिव्स को ध्यान में रख के ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे और किस तरह का ई कंटेंट हम डेवलप करेंगे। सो नाउ आई इनवाइट प्रोफेसर इंदु कुमार फॉर द सेशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। एम आई ऑडिबल? आई थिंक माय ऑडियो इज यस मैम।
Yes, ma'am. You are audible. Yes, ma'am. Welcome once again to this session. I would request Dr. Monica to project the PPT. So, as already informed, that Professor Behra is busy in a meeting, an urgent meeting came to him. So, I will be presenting his presentation on ICT initiative. So, this is about use and integration of technology and digital education. PPT आपको इंग्लिश में मिलेगी, so I will explain everything in Hindi and I will quickly try to complete the presentation by 11:20 or 25 because we lost some time in between. So let us try to finish it by 20:25. Then you can give them 15 minutes break. Tea break. After that, we will start another session. So today, the whole day, you will be listening to me only because there is a schedule in which my sessions are there and one session you will be having from Dr. Bharati. Next slide, please. So you can see on this slide ki hamare desh mein एजुकेशन का सिनेरियो क्या है, कितना बड़ा स्टैटिस्टिक्स है, पॉपुलेशन है जिसके साथ हम काम करते हैं. जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, जहां मेरा कर्सर है, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है हमारे देश की, 1.5 मिलियन स्कूल्स हैं जो हमारे देश में हैं, 900 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं, 14,000 प्लस टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, 330 मिलियन स्टूडेंट्स हैं जो हमारे देश में हैं, और जो उद्देश्य है हमारा वो है इम्पार्टिंग क्वालिटी एंड इक्विटेबल एजुकेशन एंड आल्सो लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज अनदर गोल विच इज पोस्ड टू अस बाय एनईपी 2020. तो ये जो है वो सिनेरियो है जिसकी तरफ हमें कार्य करना है. एक तो इक्विटेबल होना चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, दोनों चीजें. Then skill training of youth is another objective that we are working towards because India is a young country. 2/3 of our population is youth. तो उनको आने वाले समय के हिसाब से, क्योंकि development का जो phase है वो हर जगह एक सा नहीं रहता है. Global needs and global demands को ध्यान में रखते हुए हमें ये 2/3 जो population है, यूथ पॉपुलेशन है हमारी, इन्हें ट्रेन करना है ताकि ये एक रिसोर्स के रूप में तैयार हो सके. इसके अलावा डिजिटल डिवाइड जो है हमारी कंट्री में, जो पैंडेमिक के समय काफी उभर के हम सबके सामने आई कि हमारे देश में अलग अलग सिनेरियो हैं और हर एक के पास जो सुविधाएं हैं जो डिजिटल एजुकेशन के लिए आवश्यक है वो सुविधाएं नहीं है, और कहीं कहीं अगर सुविधाएं हैं परंतु जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं जिनमें हमारे जो पॉपुलेशन है, चाहे वो टीचर पॉपुलेशन है या विद्यार्थियों की पॉपुलेशन है, जिन ज्योग्राफिकल एरियाज में रहते हैं वहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है या इंटरनेट की अनइंटरप्टेड सप्लाई नहीं है, तो ऐसे कई कारणों की वजह से डिजिटल डिवाइड उत्पन्न होती है. तो ये डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करना भी एक हमारा उद्देश्य है. तो ये सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और डिजिटल एजुकेशन जो है या आईसीटी इनिशिएटिव्स को आगे लेके जाना है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यहाँ पे हम देखें तो एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन है कि हम कहां से कहां पहुंचे हैं. इसमें 2020 तक का है, लेकिन 2021 और 22 में भी कई सारे महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुए हैं. यहाँ देखें तो 1972 में ईटी स्कीम लॉन्च हुई थी, उसके बाद सैटेलाइट के माध्यम से 1983 में हमने टेक्नोलॉजी के जो पोटेंशियल है उसको हार्नेस किया था और भारत में जो एक सैटेलाइट के माध्यम से दूरदर्शन की सुविधा को मुहैया कराने का प्रयास शुरू हुआ था. फिर 1984 में क्लास प्रोजेक्ट, 1986 में एनईपी, 1992 में एनईपी का प्रोग्राम ऑफ एक्शन एंड 2004 में एड्यूसेट लॉन्च, और इसके अलावा आईसीटी एट स्कूल स्कीम, और
एनएमई नेशनल मिशन फॉर एजुकेशन जो कि हायर एजुकेशन के लिए था वो लॉन्च किया गया था। इसके बाद 2010 में रिवाइज्ड आईसीटी एट स्कूल स्कीम आई और 2012 में आईसीटी पॉलिसी, 13 में एनआरओईआर और आईसीटी करिकुलम जैसे कुछ कार्य संपन्न किए गए। 2015 में सबको विदित है कि डिजिटल इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा और ई पाठशाला और ई पाठशाला को महत्वपूर्ण इनिशिएटिव से इनकी शुरुआत की गई। ई पाठशाला स्कूल एजुकेशन के लिए था और ई पीजी पाठशाला हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन ई पीजी पाठशाला में भी स्कूल एजुकेशन से संबंधित कंपोनेंट थे क्योंकि जो हमारी किताबें हैं किताबों के चैप्टर्स पर आधारित कोर्सेज हम आज भी रन कर रहे हैं ई पीजी पाठशाला प्रोजेक्ट के तहत स्वयं मूक्स के माध्यम से जो कि 2017 में लॉन्च किया गया। स्वयं मूक्स, स्वयं प्रभा, डीटीएच चैनल्स और दीक्षा। 2018 में समग्र शिक्षा का कॉन्सेप्ट जो हमारे सामने आया जिसमें एजुकेशन को साइलोज में ना देख के कि हम एक बार सर्व शिक्षा अभियान चला रहे हैं जो एलिमेंट्री एजुकेशन को टारगेट करता है। उसके बाद ये आरएमएसए आया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो अभियान चलाने की आवश्यकता तब होती है जब कभी कोई जो एरिया है शिक्षा से संबंधित वो अगर उसमें हम पिछड़ रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। लेकिन जब हम शिक्षा को एक समग्र रूप में देखेंगे, कंप्लीट होल की तरह हम उसको देखेंगे तो शायद इस तरीके की समस्याएं हमें नहीं आएंगी। इसको एक इंटीग्रेटेड माध्यम से हमें देखना चाहिए और जिसमें एनईपी 2020 के तहत ईसीसीई यानी कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर को भी बहुत इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट माना गया है। और इसके अलावा निपुण भारत मिशन के बारे में आपको सबको पता होगा तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी को एक मिशन की तरह से हमें लॉन्च करना है ताकि लर्निंग गैप किसी भी स्टेज पे बच्चों के सामने ना आए। तो ये समग्र का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा क्योंकि हम एक डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो डिजिटल एजुकेशन के साथ साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जो कंपोनेंट है वो एक बहुत उसके बहुत लिंकेजेस हैं। हमें बच्चों की सुरक्षा और का भी ध्यान रखना है और उसी हिसाब से हमें डिजिटल एजुकेशन में आगे बढ़ना है। कहीं भी हमें असुरक्षित अपने बच्चों को नहीं करना, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड में हो या डिजिटल वर्ल्ड में। तो इसीलिए 2018 में साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की गाइडलाइंस भी निर्मित की गई और वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। 2019 में निष्ठा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। आप सभी किसी न किसी रूप में निष्ठा से जुड़े होंगे। ये फेस टू फेस माध्यम से शुरुआत किया गया था और उद्देश्य था कि 42.5 लाख टीचर्स को ट्रेन करना जो विद्यालय शिक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके संदर्भ में। लेकिन 2019 में जब एक पैंडेमिक आया तो बहुत सारे और कार्यों के साथ साथ इस कार्य पर भी एक रुकावट आ गई थी। लेकिन शीघ्र ही निष्ठा को हमने एक ऑनलाइन तरीके से लॉन्च किया दोबारे और जो बचे हुए टीचर्स थे उन सभी टीचर्स को ऑनलाइन के माध्यम से ट्रेन किया गया और इसके साथ ही ई कंटेंट डेवलपमेंट की गाइडलाइंस का निर्माण भी इस समय किया गया। और ई कंटेंट डेवलपमेंट की गाइडलाइंस में एक और गाइडलाइन है, 2 वॉल्यूम में है, वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए भी कैसे ई कंटेंट निर्मित करना चाहिए, इनकी गाइडलाइंस अलग से एक गाइडलाइंस बनी। 2020 में हम सभी जानते हैं एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की जो बात करते हैं और प्रज्ञाता गाइडलाइंस 2020 में लॉन्च की गई और ये गाइडलाइंस हैं डिजिटल एजुकेशन गाइडलाइंस। क्योंकि पेंडेमिक के दौरान हम सबके सामने ये बात उभर के आई कि जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है सब जगह एक समान सुविधा बच्चों के पास या शिक्षकों के पास उपलब्ध नहीं है।
कहीं इंटरनेट भी है और डिवाइसेस भी हैं बच्चों के पास, हाई स्पीड इंटरनेट प्लस जो जरूरत की डिवाइसेस हैं वो भी घरों पर उपलब्ध हैं, कहीं केवल डीटीएच चैनल है, कहीं एक इंटरनेट है लेकिन लिमिटेड उनको इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है और स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध है। तो इस तरह से अलग अलग सिनेरियो देखने में हमारे सामने आए। तो ये सिनेरियो को रातों रात तो बदला नहीं जा सकता था, लेकिन इन सभी सिनेरियोज को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार की शिक्षा मुहैया कराई जाए बच्चों को, ये हमारा उस समय एक महत्वपूर्ण जो सरोकार था। और इसी सरोकार को ध्यान में रखते हुए प्रज्ञाता गाइडलाइंस का निर्माण हुआ था, ताकि हर प्रकार की जो डिफ्रेंशिएटेड या भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधाएं बच्चों के साथ उपलब्ध हैं उनको ध्यान में रख के डिजिटल एजुकेशन का स्वरूप क्या होना चाहिए, क्या मॉडल होना चाहिए, वो मॉडल इन गाइडलाइंस में उपलब्ध है। कहीं कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए भी मॉडल इसमें सजेस्ट किया गया है। पर मॉडल्स बनाना और सुझाना एनसीईआरटी के दायरे में आता है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है जो राज्यों के ऊपर है, देख कि उनके यहाँ किस प्रकार के सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा 2020 में ही पीएम ई विद्या जो डीटीएच चैनल से रिलेटेड एक इनिशिएटिव है, और साथ ही एक ऐसा अम्ब्रेला इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री के माध्यम से लॉन्च किया गया, जिसमें हमें सारे जो एफर्ट हैं डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड उनका एक यूनिफिकेशन करने की बात है। तो पीएम ई विद्या के अम्ब्रेला के तहत ही सारे डिजिटल एजुकेशन से संबंधित इनिशिएटिव्स को हमें यूनिफाई करना है। इसके अलावा एनडीएआर एक और जो सुविधा है वो नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, ये एक फ्रेमवर्क है कि डिजिटल एजुकेशन ऐसे होना चाहिए। ये कोई पोर्टल नहीं, बट इट्स एन फ्रेमवर्क फॉर कैरिंग आउट डिजिटल एजुकेशन। और 2021-22 में विद्या समीक्षा केंद्र की का जो है वो शुरुआत की गई गुजरात में, और में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किया गया जो जरूरी है डेटा ड्रोवन डिसीजन मेकिंग के लिए। जब तक हमें डेटा उपलब्ध नहीं होगा कि कहाँ क्या दिक्कत है, तब तक डिसीजन मेकिंग बहुत मुश्किल है। और भारत जैसे विविधताओं वाले बड़े देश में ये और भी आवश्यकता है कि हमें डेटा का सुविधा मिले। तो एनसीईआरटी में 2022 में वीएसके की स्थापना की गई विद्या समीक्षा केंद्र की, और इसमें अभी 10 प्रोग्राम रन कर रहे हैं। एनसीईआरटी स्टेट्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा एक स्टार्टर पैक है जो डेटा को एमिट करने के लिए है, तो वो भी ऑफर किया जा रहा है। जिन भी स्टेट्स को इस स्टार्टर पैक की आवश्यकता है वो इसे ले सकते हैं और अपना विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित कर सकते हैं। सीआईटी में ही एक इंजीनियरिंग डिवीजन भी है हमारे यहाँ जो बाकी और हार्डवेयर रिलेटेड सपोर्ट के लिए स्टेट्स के लिए उपलब्ध है। तो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों ही सीआईटी एनसीईआरटी इस संदर्भ में हम ऑफर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ हम देखेंगे कि एनईपी 2020 के हिसाब से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और आईसीटी के लिए उसमें क्या प्रावधान है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2022 में। तो जैसा कि अभी मैंने आपको विस्तार से बताया कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना बहुत आवश्यक है, तो ये एनईपी 2020 में भी इस चीज को हाईलाइट किया गया है। इसके अलावा एनडीएआर कंप्लायंट जो एक फ्रेमवर्क है फॉर डिजिटल एजुकेशन, उसके हिसाब से पोर्टल एप्स एंड टूल्स का निर्माण होना चाहिए। डिजिटल रिसोर्सेज की बहुत आवश्यकता है, और ये हमारे लिए क्रूशल इसलिए भी है कि भारत भाषाई विविधताओं वाला देश है, और भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए हमें विविध भाषाओं में रिसोर्सेस चाहिए हिंदी इंग्लिश उर्दू के अतिरिक्त। एनसीईआरटी हालांकि हिंदी इंग्लिश और उर्दू में हमारी पाठ्य पुस्तकें होती हैं, संस्कृत की पाठ्य पुस्तकें संस्कृत में होती हैं, लेकिन हम अन्य भाषाओं में भी कार्य कर रहे हैं और
करीब 36 भाषाओं में दीक्षा पर भी डिजिटल रिसोर्सेस और अन्य प्रकार के कंटेंट उपलब्ध हैं। तो जब तक स्टेट्स की कंटेंट डेवलपमेंट में ट्रेनिंग नहीं होगी, वो अपनी नेटिव भाषाओं में रिसोर्स डेवलप करना उनके लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये एक बहुत जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है जिसके तरफ हमें कार्य करना है। फिर टेलीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी को हार्नेस करने की उसका भी लाभ उठाने की बात NEP 2020 में की गई है, क्योंकि ये भी एक बहुत पोटेंशियल टेक्नोलॉजीज है जो हम टेलीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट की बात करते हैं, और काफी हद तक पेंडेमिक के दौरान ये टेक्नोलॉजीज हमारे काम आई, क्योंकि हर बच्चा सिंक्रोनियस तरीके से हम उसको लर्निंग नहीं करा सकते, जैसे अभी हम जूम पे कर रहे हैं, वो सुविधाएं हर एक के पास नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास रेडियो है और टेलीविजन है तो उसको भी एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे इस बात पे बल्कि पूरे CIT को गर्व है कि उन दौरान जब पूरा देश एक अजीब सी स्थिति से गुजर रहा था जो पैंडेमिक के कारण उत्पन्न हुई थी, हमने अपने आप को एक चैनल से 12 चैनल पर शिफ्ट किया। जो CIT पहले एक चैनल चला रहा था, उसके बाद 12 DTH चैनल और 300 से ऊपर जो रेडियो केंद्र हैं उसके माध्यम से हमारा कंटेंट ब्रॉडकास्ट करने का कार्य भी इस दौरान किया गया, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह सके। तो अब आगे का वे फॉरवर्ड के रूप में भी ज्यादा स्ट्रेटेजिक तरीके से हमें इन टेक्नोलॉजीज को हार्नेस करना है, और यही NEP 2020 में भी है। ई गवर्नेंस के लिए भी हमें टेक्नोलॉजी का जो सुविधा है उसका प्रयोग करना है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके लिए हमें तरफ कार्य करना है, क्योंकि जो स्थिति पैंडेमिक के दौरान आई थी तो एग्जाम्स भी संभव नहीं थे। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट के क्या तरीके होने चाहिए, किस तरीके से हमें जो हमारे असेसमेंट के तरीके हैं उसमें डिजिटल सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए क्या बदलाव लाना है। इसके बाद स्टूडेंट्स की डिजिटल कॉम्पिटेंसीज को भी हमें उस तरफ भी कार्य करना है। हालांकि डिजिटली स्टूडेंट्स जो यंगस्टर्स हैं वो ज्यादा साउंड होते हैं बजाय कि जो हमारी जनरेशन के लोग हैं उनके मुकाबले, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी को सीखा है, वो टेक्नोलॉजी नेटिव है, टेक्नोलॉजी के साथ पैदा हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो एक खतरा उनके लिए पैदा हो जाता है कि माइंडफुल यूज ना करना टेक्नोलॉजी का, जिससे हम बड़ों को उन्हें बचाना है, और वो भी एक डिजिटल कॉम्पिटेंसीज का पार्ट है कि कैसे अपने भले के लिए हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, ना कि उसके जाल में हम फंस के अपने आप को असुरक्षित कर लें। इसके अलावा कंटेंट पेडागोजी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है कि कैसे हम कंटेंट पेडागोजी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करें। ये सब एक हम फ्रेगमेंट्स में नहीं देख सकते कि एक कंटेंट हमारे पास है, हमें पेडागोजी जो हमने कभी अपने बीएड के दौरान सीखी थी वो पेडागोजीज के बारे में हमें नॉलेज है, टेक्नोलॉजी हम अभी सीख रहे हैं। तो ये तीनों चीजें सेग्रीगेट होके कभी भी नहीं चल सकती और हम एजुकेशन का एनहांसमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इनको इंटीग्रेट करना कैसे है कॉन्टेंट पेडागोजी एंड टेक्नोलॉजी को, जिससे कि बच्चों के लिए जो हमने आउटकम या ऑब्जेक्टिव्स सोचे हैं वो हम उनको उसमें महारत दिला सके। और इस पे हमने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक सेशन कंटेंट पेडागोजी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पे भी रखा है, जो NEP का भी एक महत्वपूर्ण सरोकार है। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स एंड टीचर एजुकेटर्स एक अलग महत्वपूर्ण एरिया है, और इसके लिए निष्ठा प्रोग्राम तो है ही, लेकिन हमें और भी रॉबस्ट इंटरेस्टिंग और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ बढ़ना है। इसके अलावा लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया कि जो भी कार्य हम करें उसके स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करें। एक एग्जांपल इसका मैं देना चाहूंगी, जैसे प्रज्ञाता गाइडलाइंस है और जो ई कॉन्टेंट डेवलपमेंट गाइडलाइंस है,
दे आर दीज आर टू डॉक्यूमेंट जो स्टैंडर्ड्स ले डाउन करते हैं फॉर कॉन्टेंट डेवलपमेंट एंड फॉर इम्पार्टिंग डिजिटल एजुकेशन. इसी तरीके से इंटेंसिव रिसर्च इन ईटी ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजीज में एक तो निरंतर बदलाव आता रहता है और हर टेक्नोलॉजी जरूरी नहीं है कि वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अप्रोप्रिएट हो. तो उसके लिए एक रिसर्च बहुत जरूरी है. इसके अलावा कुछ कुछ समय के बाद एक डिस्ट्रप्शन भी आता रहता है. कुछ टेक्नोलॉजीज ऑब्सोलीट हो जाती है, उनकी जरूरत नहीं रहती, तो वो हमें आगे का जो भविष्य है, भविष्य में आने वाले जो बदलाव हैं उनको ध्यान में रखते हुए देखना है कि किस तरीके की टेक्नोलॉजीज हैं जो आगे आने वाले समय में हमारे लिए जरूरी होंगी, ताकि उसी तरीके से हम अपनी जो वर्क फोर्स है उसको ट्रेन कर सकें. नेक्स्ट स्लाइड. तो ये हम देखेंगे, ये डिफरेंट वैरायटी और वैरायटीज ऑफ डिजिटल कंटेंट है और इसमें अधिकांश के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा और हैंड्स ऑन भी कराया जाएगा, जिसमें एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स हैं, असेसमेंट क्वेश्चंस हैं, इंफोग्राफिक्स, ई कोर्सेस, गाइडलाइंस एंड हैंडबुक्स हैं, वीडियोस एंड साथ ही ISL वीडियो, साइन लैंग्वेज के वीडियोज हैं, जो ये सब अभी मैं बता रही हूँ कि ये सब दीक्षा पर उपलब्ध है, हमारे पोर्टल्स एंड एप्स पर उपलब्ध हैं ये सारे प्रकार के कंटेंट. फिर इंटरैक्टिव इमर्सिव कंटेंट है, ऑडियो एंड टॉकिंग बुक्स हैं और वर्कशीट्स हैं, असेसमेंट शीट्स भी हैं. तो ये सब वैरायटी ऑफ कंटेंट है जो कि उपलब्ध है. नेक्स्ट. इसके अलावा ये सब मेजर डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं. पीएम ई विद्या के बारे में मैंने आपको बता दिया. दीक्षा जो है ये नेशनल डिजिटल डिजिटल एजुकेशन के लिए है, ये जो दीक्षा प्रोजेक्ट है. और ज्यादातर आप जो हमारे कंटेंट हैं, वैरायटी ऑफ कंटेंट, वो दीक्षा पर ही उपलब्ध हैं. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग हम इसको बोलते हैं, बिकॉज वी आर शेयरिंग नॉलेज, चाहे वो स्टेट और यूटी लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो. ई पाठशाला मोबाइल ऐप और पोर्टल है, निष्ठा है, स्वयं है, ICT करिकुलम है. मैंने टाइमलाइन के बारे में जब आपको बता रही थी तो इन सब के बारे में वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. यू कैन फर्दर एक्सप्लोर ऑल दीज इनिशिएटिव्स. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. फिर पीएम ई विद्या किस तरह से मल्टी चैनल लर्निंग कंटिन्यूम को फैसिलिटेट करता है और इट हाउ इट फोकसेस टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स, जिससे कि मल्टी मोड एक्सेस टू एजुकेशन हो सके, जो कि प्रज्ञाता गाइडलाइंस में भी है. जैसे टेलीविजन है, रेडियो है, दीक्षा है, स्पेशल ई कंटेंट है एंड ऑनलाइन कोर्सेज हैं. तो ये सब एफर्ट्स का यूनिफिकेशन, जिसे मल्टी मोड डिलीवरी की जा सके एजुकेशन की, चाहे टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ई कंटेंट शेयरिंग के माध्यम से या ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से, जो टीचर और एजुकेटर्स के लिए हैं. तो टेलीविजन में वन क्लास वन चैनल जो NCERT ने इनिशिएटिव किया, अभी स्टेट्स के लिए भी प्रावधान है कि आप अपने चैनल्स डिमांड कर सकते हैं और शायद ये प्रक्रिया जारी होगी. इसके बाद रेडियो ब्रॉडकास्ट, पॉडकास्ट एंड कम्युनिटी रेडियो, ये सारे चीजें रेडियो के तहत की जा रही हैं. और दीक्षा जो है वन नेशन वन प्लेटफॉर्म की तरह हम देखते हैं, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये सेंटर से कंट्रोल्ड है या नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NCERT इसको कंट्रोल कर रहा है. नेशनल लेवल पे जो इनिशिएटिव है वो हम जरूर शेयर करते हैं, लेकिन स्टेट्स को अपनी स्पेस दीक्षा पे उपलब्ध है और उन्हें पूरी फ्रीडम है कि वो जो दीक्षा की कैपेबिलिटी है उसको किस प्रकार से इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठा के अपने कस्टमाइज प्रोग्राम, कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम, कस्टमाइज ई कॉन्टेंट, विविध भाषाओं में ई कॉन्टेंट इस पर उपलब्ध करा सकते हैं. वापस उसी स्लाइड पे. इसके अलावा स्पेशल ई कंटेंट की हमने बात करी है कि डिफरेंटली एबल्ड के लिए भी हमें ई कंटेंट निर्माण करना है, जो कि किया जा रहा है नेशनल लेवल पे, और ऑनलाइन कोर्सेस. नेक्स्ट स्लाइड.
फिर ये हम देखेंगे कि टेलीविजन को किस तरीके से हार्नेस करा गया इसका पोटेंशियल। तो 12 डीटीएच चैनल है जो 24/7 है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और ये सिमलकास्ट होते हैं जियो टीवी पे, टीवी ऐप पे, और जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उन चैनल्स पे भी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी। और 6,300 करिकुलम बेस्ड वीडियोस हैव बीन डेवलप्ड फॉर स्कूल एजुकेशन जो इंग्लिश, हिंदी और इंडियन साइन लैंग्वेज में भी उपलब्ध हैं, जिसमें वोकेशनल एजुकेशन के वीडियोस भी हैं। फिर 1 आवर लाइव सेशन फॉर ईच क्लास फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स भी इसमें प्रावधान है, और IVRS सपोर्ट है जो कि स्टूडेंट्स की क्वेरीज को एड्रेस करता है। नेक्स्ट स्लाइड। पीसेज ऑफ करिकुलम बेस्ड रेडियो प्रोग्राम्स 1 से 12 कक्षाओं तक के लिए भी उपलब्ध हैं और टेलीकास्ट किए जा चुके हैं। इसके अलावा ये 398 तकरीबन 400 हो गए ये रेडियो स्टेशंस पर से ब्रॉडकास्ट होते हैं, जिसमें 11 ज्ञानवाणी चैनल हैं, FM रेडियो स्टेशंस हैं, 255 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, 132 ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, आई रेडियो और जियो सावन मोबाइल ऐप उपलब्ध है। 1,881 लाइव प्रोग्राम्स जो हैं वो पॉडकास्ट के माध्यम से आई रेडियो के तहत रिलीज किए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा दीक्षा पे ये सारा वैरायटी ऑफ कंटेंट उपलब्ध है, और ये इसमें आप देखें कितने ETVs हैं जो स्टेट और UTs की भी हैं। 280,000 के करीब ई कंटेंट उपलब्ध है, जिसमें स्टेट और UTs का ई कंटेंट भी है, क्योंकि बिना स्टेट और UTs के सहयोग से कोई भी इनिशिएटिव संभव नहीं है, क्योंकि वो हम सब मिलके एजुकेशनल जो एफर्ट्स हैं उसमें आगे बढ़ते हैं। और ये ई कोर्सेज हैं, इसमें भी स्टेट UTs के कोर्सेज शामिल होंगे। और 50 मिलियन पेज हिट्स डेली बेसिस पे दीक्षा पर होते हैं। 32 लैंग्वेजेस हैं इस पे, 22 शेड्यूल इंडियन लैंग्वेजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की में दर्ज हैं, उसमें सूचीबद्ध हैं, और इसके अलावा इंडियन साइन लैंग्वेज भी है। ये 5 डेडिकेटेड वर्टिकल्स जो हैं वो दीक्षा पे उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, अडल्ट एजुकेशन जिसको अब हम एजुकेशन फॉर ऑल वर्टिकल के नाम से जानते हैं, वोकेशनल एजुकेशन है, वर्चुअल लैब्स हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए जो वर्टिकल है वो प्रोसेस में है, बाकी 4 वर्टिकल ऑलरेडी तैयार किए जा चुके हैं, दीक्षा पे उपलब्ध है। नेक्स्ट प्लीज। और जो वर्चुअल लैब्स की हम बात कर रहे हैं, उसमें 200+ वर्चुअल लैब्स अभी उपलब्ध हैं। इसके लिए आपको एक अलग से सेशन भी होगा जिसमें ये वर्चुअल लैब्स डेमोन्स्ट्रेशन इनका दिया जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट प्लीज। इसके अलावा निपुण भारत मिशन, जो आपको अगले सेशन में हम विस्तार से इसके बारे में बताएंगे कि ये जो वर्टिकल दीक्षा पे है इसमें क्या क्या उपलब्ध है। नेक्स्ट। ये एजुकेशन फॉर ऑल है जो अडल्ट के लिए है, इसके बारे में भी हम विस्तार से, आई विल टेक यू थ्रू दिस वर्टिकल इन द नेक्स्ट सेशन। फिर माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स, ये एक और कैपेबिलिटी है जो दीक्षा ऐप पे उपलब्ध है, नॉट ऑन पोर्टल बट ऐप, जिसके तहत अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए हम क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं उनका एक जो डिजिटल रिकॉर्ड हम दर्ज कर सकते हैं, ताकि अन्य लोग भी उससे लाभ उठा पाए। अभी विद्या अमृत महोत्सव को लॉन्च करने के लिए इस कैपेबिलिटी का प्रयोग किया जा रहा है, और जिसकी थीम इस बार के लिए है इनोवेटिव पेडागोजीज, जिसमें शिक्षक अपने इनोवेशंस इसमें दर्ज करेंगे और फिर उनका स्टेट लेवल और नेशनल लेवल ज्यूरी के बाद इनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा जो भी इसमें अपने प्रविष्टियां दर्ज करेंगे।
नेक्स्ट स्लाइड। फिर ये दीक्षा के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनको मल्टीपल यूज केसेस के लिए उपलब्ध किया जाता है, जैसे कि एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स एक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसमें हम सभी अपनी अपनी किताबों को एनर्जाइज कर रहे हैं विद QR कोड एंड द कंटेंट्स लिंक टू देम। देम टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए क्वेश्चन बैंक, क्विजेस, कंटेंट ऑथरिंग, कंटेंट ऑथरिंग भी हम कर सकते हैं, कंटेंट सोर्सिंग, कंटेंट कंजम्पशन, डेटा टूल्स एंड डैशबोर्ड्स, इसके अलावा चैटबॉट, विद्या समीक्षा केंद्र, डिजिटल क्रेडेंशियल्स, कोलैबोरेशन, फिजिकल प्लस डिजिटल का कॉम्बिनेशन, सी क्यूब जो कि एक स्टार्टर पैक है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विद्या समीक्षा केंद्र, विभिन्न सर्वेज उपलब्ध हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन उपलब्ध है, मेंटरिंग, सनबर्ड रजिस्ट्री एंड क्रेडेंशियल्स। सो ये सारे चीजें जो हैं मल्टीपल यूज केसेस हैं दीक्षा के, ये ना केवल एक कंटेंट रिपोजिटरी है बल्कि अनेक सुविधाएं इस पे उपलब्ध हैं। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये एक फिजिकल का एग्जांपल है कैसे डिजिटल और फिजिकल को हम कंबाइन करते हैं। जो फिजिकल टेक्स्ट बुक्स है एनसीईआरटी की वो QR कोडेड है और उनको जब हम स्कैन करते हैं तो वी कैन वॉच द कंटेंट लिंक टू QR कोड्स। इसके अलावा जो साइंस एंड मैथमेटिक्स की बुक्स हैं टू बिगिन विद, उनका जो कॉन्सेप्ट है जिसमें 3D विजुअलाइजेशन की जरूरत है, उनको ऑग्यूमेंटेड रियलिटी से एनर्जाइज किया गया है और उन इमेजेस को जब हम स्कैन करते हैं वी कैन लुक एट द 3D विजुअलाइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स देयर इन। तो ये एक फिजिकल का एग्जांपल है, तो हमें ना केवल डिजिटल फिजिकल बल्कि दोनों का कंबाइन करके भी जो हम एफर्ट कर सकते हैं फिजिकल की तरफ भी हमें कार्य करना है जिसकी शुरुआत एनसीईआरटी में ऑलरेडी हो चुकी है। नेक्स्ट प्लीज। ये ISL वीडियो का एक ग्लिम्स है कि किस तरीके से साइन लैंग्वेज में भी हमने अपने चैप्टर्स को कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट। ये दीक्षा को किस तरीके से कोहरेंट एक्सेस के लिए हम प्रयोग करते हैं उसका एक एग्जांपल है कि जितने भी टेलीविजन पर उपलब्ध जो प्रोग्राम DTH 12 DTH चैनल के माध्यम से प्रसारित होते हैं वो सभी दीक्षा पे भी उपलब्ध कराए जाते हैं। एक पार्ट तो ये है, साथ ही जो टेलीकास्ट हो रहे हैं प्रोग्राम वो भी QR कोड से एनर्जाइज्ड हैं। अगर घर में एक टेलीविजन सेट है, दो बच्चे हैं, तो दूसरा बच्चा अपनी कक्षा के कार्यक्रम को स्मार्टफोन से स्कैन करके अपनी कक्षा का प्रोग्राम देख सकता है मोबाइल के माध्यम से और एक बच्चा TV के माध्यम से। नेक्स्ट प्लीज। ये हम देखें विद्या समीक्षा केंद्र का जिक्र है, जो NCERT का विद्या समीक्षा केंद्र है उसका एक स्क्रीनशॉट है। नेक्स्ट। ये हमारा एक हमने प्रज्ञान केंद्र यानी कि एक्सपीरियंशियल सेंटर एक NCERT में स्टेब्लिश किया गया है, तो उसका फोटोग्राफ आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से जो न्यूअर टेक्नोलॉजीज है उनके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये है और ट्रेनिंग के पर्पस से भी हम इसको यूज करते हैं जिसमें AR VR और वर्चुअल लैब्स अभी उपलब्ध हैं। नेक्स्ट। फिर है कंटीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जिसमें निष्ठा के 4 प्रोग्राम अभी तक लॉन्च किए जा चुके हैं, जो एलिमेंट्री सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी और जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए भी है। इसके अलावा जो वेबिनार की जो फैसिलिटी है वो भी हम हार्नेस करते हैं टू रीच आउट टू आवर स्टेक होल्डर्स, और कोर्सेज के लिए मूडल, सनबर्ड, ओपन एडेक्स और गूगल कोर्स बिल्डर, ये 4 प्रकार के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। और निष्ठा MOOCs पिछले साइड पे एक बार CPD कोर्सेस ऑनलाइन कैपेबिलिटी, ये 4 तरीके से हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर्स का करते हैं। नेक्स्ट। ये सब निष्ठा के इंस्टेंसेस हैं कि किस किस क्षेत्र में, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया एलिमेंट्री सेकेंडरी निपुण भारत के लिए। नेक्स्ट। ये भी CPD के बारे में ही है कि और कौन कौन से जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज उपलब्ध हैं दीक्षा पे। नेक्स्ट।
फिर ये स्वयं का एक डेटा है कि स्वयं के क्या बेनिफिशरीज हैं, कौन से ऑनलाइन कोर्सेज हैं अलग अलग सब्जेक्ट एरियाज में. नेक्स्ट ये आईसीटी करिकुलम, ये पोर्टल पर आप जा सकते हैं ictcurriculum.gov.in और क्या उपलब्ध है वो हम देख सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. ये ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन ईटी एंड आईसीटी, उसके लिए 16 ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, 650 प्लस वेबिनार्स और 150,000 इनसे हमारे बेनिफिशरीज रहे हैं. और आप इसमें देखेंगे पीपीटी आपके साथ शेयर कर ली जाएगी कौन कौन से वो एरियाज हैं जिसमें ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट या कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स ऑन ईटी आईसीटी चल रहे हैं. तो आप देख सकते हैं ये सारे थीम्स हैं जिस पर हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं और ये सब हमारी वेबसाइट के जो पेज है ऑनलाइन ट्रेनिंग का उस पर भी उपलब्ध है. अगर आपने ये ट्रेनिंग नहीं की है तो आप इसके रिसोर्सेज वहां देख सकते हैं हम सब. नेक्स्ट प्लीज. दिस इज अबाउट ई पाठशाला जो कि मोबाइल ऐप और पोर्टल भी है, उसका इंटरफेस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं. नेक्स्ट. ये ब्रांडिंग ऑफ ई पाठशाला, जो ई पाठशाला हमारा मोबाइल ऐप है उसको अन्य सर्विसेज के लिए भी हमने प्रयोग किया है और ये वो सारी सर्विसेज हैं निष्ठा, ऑगमेंटेड रियलिटी, परख, एनएएस, एसएसपी, मॉरिशस के लिए भी एक बनाया गया है, स्कैनर ऐप है, एनसीएफ है और एक प्रशस्त ऐप है. नेक्स्ट. ये जो गाइडलाइंस है इनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, प्रज्ञाता, ई कंटेंट डेवलपमेंट, साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑन ईटी एंड आईसीटी. नेक्स्ट. 5 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं, ये सब हिंदी इंग्लिश में उपलब्ध है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. फिर ये इंटरनेशनल कोलेबोरेशन जो हम करते हैं उसके बारे में है. नेक्स्ट. ये कुछ और आईसीटी इनिशिएटिव है जिसमें सहयोग 1 घंटे का स्लॉट है, जो काउंसलिंग सर्विस हम बच्चों के लिए प्रोवाइड करते हैं, मनोदर्पण है, आईवीआरएस बेस्ड 24/7 काउंसलिंग सपोर्ट जिसमें बच्चे इम्पैनल्ड एक्सपर्ट से बात करके अपनी दुविधाओं से के बारे में उनसे जिक्र कर सकते हैं, वॉइस असिस्टेंस है, आईसीटी अवार्ड फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स, ई कॉन्टेंट डेवलपमेंट कॉम्पिटिशन एंड आईसीटी फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है और ऑनलाइन क्विजेस पेंडेमिक से शुरू करके अब तक बहुत सारे ऑनलाइन क्विजेस भी हम लॉन्च कर चुके हैं दीक्षा की जो कैपेबिलिटी है उसको ध्यान में रखें. नेक्स्ट. सो ये समरी है सारे आईसीटी इनिशिएटिव्स की, यू विल गेट द प्रेजेंटेशन सो दैट यू कैन सी देम इन डिटेल्स. नेक्स्ट. सो हमें जो हमने आईसीटी का प्रयोग किया और टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया स्पेशली फॉर टू मेक एजुकेशन एक्सेसिबल टू ऑल, उसके लिए सीआईटी को ये अवार्ड भी मिला है जो यूनेस्को का अवार्ड है, किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज, जो कि एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है. करीब 135 कंट्रीज में से सीआईटी को चुना गया था इस अवार्ड के लिए 2 अन्य कंट्रीज के साथ. नेक्स्ट. सो दैट वाज ऑल अबाउट माय दिस प्रेजेंटेशन ऑन आईसीटी इनिशिएटिव. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू डॉक्टर मोनिका. आप अनाउंस थैंक यू दोबारा इन्हें कि हम ब्रेक दे रहे हैं. थैंक यू मैम फॉर दिस डिटेल्ड प्रेजेंटेशन ऑन ऑल द आईसीटी इनिशिएटिव्स. आई थिंक दिस हैज गिवन वेरी क्लियर प्रोस्पेक्टिव टू ऑल द टीचर्स एंड टीचर एजुकेटर्स हियर that what are the initiatives happening at national level and how we can become a member of these initiatives by becoming e-content developers and contributors of e-content to these portals. So thank you ma'am. Now I will we will go for 15-minute break since you have joined from very morning.
So right now it is 11:30. We will be back at 11:45. We are already delayed by 15 minutes, but we will try to cover it in the next session. तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि 15 मिनट के बाद ये मीटिंग क्लोज नहीं होगी, मीटिंग ऑफ रहेगी, केवल हम यहाँ से म्यूट हो जाएंगे. आप लोग भी केवल म्यूट कर सकते हैं या फिर वापस ज्वाइन कर सकते हैं. और 15 मिनट के बाद 11:45 पे प्लीज आप सब लोग वापस जुड़ जाएं. और अगर कोई मीटिंग लीव कर रहा है तो वापस अपना स्टेट कोड जरूर डालें, क्योंकि अटेंडेंस बीच बीच में जूम के नाम से भी होती रहेगी. तो अभी के लिए मैं यही इतना ही कहूंगी, ताकि आप लोगों को पूरा 15 मिनट का ब्रेक मिल सके. ऑलरेडी एक दो मिनट ऊपर है, आप लोग जाएं, फ्रेशन अप होके आएं और हम अगले सेशन की तरफ मूव करेंगे. मैम, इसमें कोई क्वेश्चन होते हैं उसके लिए थोड़ा टाइम दें, जिससे कि यदि हमारे कोई क्वेश्चन हैं तो पूछ सकें. सर, अभी मैम अगले सेशन में भी जुड़ेंगी, तो अगर आपके इस सेशन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हैं तो आप ले सकते हैं. ठीक है जी, ओके, थैंक यू मैम. थैंक यू, वी विल सी यू एट 11:45. प्लीज बी बैक. Thank you.